हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पिकू वीडियोस में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। दूध का सेवन हर प्रकार से लाभदायक है क्योंकि इसमें प्रोटीन और कैल्शियम है। आज की रेसिपी दूध और फ्रेश क्रीम के साथ आसानी से घर में बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून, चीनी 3 टेबल स्पून, फ्रेश क्रीम 1/2 कप, वेनिला एसेंस 1/4 टीस्पून। अब 1 कप ठंडे दूध में हम कॉर्नफ्लावर को मिलाए हैं। गर्म दूध में अगर आप कॉर्नफ्लावर मिलाएंगे तो गुदलियाँ पड़ जाएगी। अब इसमें 3 टेबल स्पून चीनी मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में कॉर्नफ्लोर और चीनी के साथ मिक्स किया हुआ दूध डालेंगे और गैस को मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इसे लगातार हिलाते रहना है। अब दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें अच्छा उबाल भी आ गया है। अब इसे हम एकदम ठंडा कर लेंगे। हम एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें दूध कॉर्नफ्लोर से बने मिश्रण को डालेंगे, बचा हुआ 1/2 कप दूध, फ्रेश क्रीम, वेनिला एसेंस और इसे हम 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पीस लेंगे। आप देख सकते हैं मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है। इसमें किस तरह से बबल अच्छे आए हैं। क्रीमी लस्सी को और थोड़ा टेस्टी बनाएंगे। पहले बादाम लेंगे, बादाम को ग्राइंडर में पीस लेंगे। अब 1 कप में हम जो बनाया था वो क्रीमी लस्सी डालेंगे। उसमें बादाम का पाउडर टेस्ट के हिसाब से आप मिक्स कर ले, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा, कम चाहिए तो कम, आइस क्यूब चाहिए तो यूज कर सकते हैं। बन गई हमारी बादाम की क्रीमी लस्सी। अब क्रीमी लस्सी को और थोड़ा हेल्दी बनाएंगे सब्जा सीड के साथ। सब्जा बीज में थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। अब 15 मिनट के बाद अब उसे देखेंगे तो 15 मिनट के बाद रेडी हो चुका है यूज करने के लिए। अब 1 कप में क्रीमी लस्सी डालेंगे, उसके बाद सब्जा सीड्स डालेंगे। सब्जा बीज में फाइबर कंटेंट बहुत होता है जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अब इसमें आइस क्यूब्स चाहे तो हम यूज कर सकते हैं। क्रीमी लस्सी को और थोड़ा डिलीशियस बनाएंगे। खजूर लेंगे, खजूर का पेस्ट बनाएंगे। अब 1 कप में क्रीमी लस्सी और उसमें खजूर का पेस्ट डालकर अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें गर्मी में बहुत राहत देने वाले आइस क्यूब का इस्तेमाल चाहे तो हम कर सकते हैं। क्रीमी लस्सी को और भी ज़्यादा यमी बनाएंगे। इसके लिए हम चॉकलेट्स लेंगे। इसके लिए घिसा हुआ चॉकलेट लेंगे या हम इसमें चॉकलेट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 1 कप में सेम क्रीमी लस्सी और अब हम उसमें चॉकलेट पाउडर या कसा हुआ चॉकलेट डाल के मिक्स कर लेंगे। आइस क्यूब्स भी डालेंगे, इसे टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। हर सीजन में आप इसे बना सकते हैं। क्रीमी लस्सी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ऐसे ही हेल्दी रेसिपीज लाया करूँगी आपके लिए। फिर मिलते हैं, थैंक यू।